अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम इन माई नेक्स्ट व्लॉग। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं नूकुस जा रहा हूँ, ठीक है, जाऊँगा कुछ दिन तक। तो आज मैं नूकुस जा रहा हूँ। ये नूकुस, ये कैपिटल है काराकल पाकिस्तान का। और वहाँ नूकुस में जो है ना, ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है एज़ कम्पेयर टू बैरूनी। तो बाकी देखते हैं, इतनी तो क्रिटिकल नहीं है कि जी वो एंटर ही नहीं होने देंगे। खैर, तैयारी अपनी फुल करके गए हूँ। तैयारी से मुराद के सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पासपोर्ट, स्टूडेंट कार्ड, ये वो। तो बाकी मुझे वहाँ काम है, दोस्तों से मिलना, वहाँ भी पाकिस्तानी हैं, ठीक है, और वो वहाँ पर जॉब करते हैं, हम यहाँ पर स्टूडेंट हैं। तो इस वजह से वहाँ पर जा रहा हूँ, उनसे मुझे काम है, ज़रूरी काम है। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि आज का व्लॉग मेरे लिए थोड़ा सा इंजॉयफुल होगा, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ। मेरे साथ जो मेरे दोनों दोस्त हैं, दोनों लेज़ी, दोनों के दोनों टूनों ही पड़े हैं, सोए पड़े हैं वो, ठीक है। उन्हें रात को उन लोग ने कहा था कि हम चलेंगे साथ, लेकिन जो है ना आज वो नहीं जा रहे, आप देखो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अकेला ही जाता हूँ। तो अब अकेला जा रहा हूँ, जितना हो सका आपको दिखाऊँगा। रास्ते में कोई ऐसी चीज़ आई जो वीडियो में ऐड करने की हुई तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। ओके जी, टैक्सी स्टैंड पे पहुंच गए हैं हम लोग, ठीक है, और तीन सवारियां हो चुकी हैं, एक रह गई है, उसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और जिस टैक्सी पे मैं जा रहा हूँ, ये मेरे बैक साइड पे जो है, ये पत्नी के ऊपर क्या लकड़ियाँ और लंटर पड़े हैं, वो आंटी जी भी बैठी हैं, ठीक है। जो यहाँ से निकलते हैं तो मैं जो है ना फिर रास्ते में बना नहीं पाया, क्योंकि मैं पीछे बैठा हुआ था इस वजह से। तो अभी हम लोग रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। कहाँ गई गाड़ी? वो चल पड़ी। अच्छा भाईजान, नहीं चली, वो पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे ये जो उज़्बेकिस्तान है ना, ये तकरीबन जो है ना 70-75% जो है ना रेगिस्तान है। बहुत कम जो है ना यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, एग्रीकल्चर वगैरह, और क्या बोलते हैं उसे, ग्रीनरी वगैरह हो गया, ठीक है, वो बहुत कम है यहाँ पर। आप देख सकते हैं सारा रेगिस्तान है। हम तकरीबन 80 किलोमीटर का जो है ना फासला, वो हम लोगों ने लगातार रेगिस्तान ही देखते आए हैं, ठीक है। और अब ये और कोई 5-10 किलोमीटर रह गया नूकुस, ठीक है। लो भाई लोग, नूकुस पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब मुझे बंदे ने एक जगह पर उतारा है, और अब मैं जा रहा हूँ नूकुस से आगे जाना था मैंने तकरीबन 60 किलोमीटर आगे शमोनी है, ठीक है। तो अब वहाँ जा रहा हूँ, तकरीबन 300-400 मीटर के फासले पर वहाँ पर शमोनी की टैक्सियाँ मिल जाएंगी। तो जो है ना, फिर वहाँ से आगे फिर शमोनी, फिर मैं अपनी मंजिल पे पहुँच जाऊँगा, डेस्टिनेशन पे। ये थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँ यार, ऐसे इसमें देखने वाला कुछ है तो नहीं, मैं वैसे ही अपनी वीडियो की टाइमिंग बढ़ाना चाह रहा हूँ, आप उसकी बात है। एक नमूना टैक्सी वाला मिला है, तो उसको एक जगह का नाम है खुजाली, मैंने वहाँ जाना है, वहाँ से फिर आगे टैक्सी पकड़ूंगा। तो उसे मैंने कहा है कि खुजाली जाके ना मुझे वहाँ पर उतारना है, जहाँ पर टैक्सियाँ वगैरह खड़ी होती हैं शमोनई की। उस नमूने को खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ पर टैक्सियाँ खड़ी होती हैं। अब वो पूछने गया हुआ है कि कहाँ पर टैक्सियाँ खड़ी होती हैं, अल्लाह करे पहुंच जाऊं सही शमों ने। भाई लोग अड्डे पे तो पहुंच चुके हैं शमोनई टैक्सी वाले पे, लेकिन यहाँ पर टैक्सी सिर्फ एक खड़ी है, ये पीछे कोबाल्ट, ठीक है।
और इसके बारिश का कोई ऐसा पता नहीं है। हम तकरीबन 10 मिनट से खड़े हैं और ये बंदा नजर ही नहीं आ रहा कि भाई टैक्सी वाला है कहाँ। ऐसे देखो भजन, ऐसे आज परस्त हैं यहाँ पर हैं लोग, पता ही नहीं है। पाकिस्तान में तो टैक्सी वाले, बस वाले, हाईएस पता है ना किसको कहते हैं, वैन वगैरह, वो लोग सारी सवारी को उसका हाथ पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती उसे बिठाते हैं, हाँ मेरे बाप मेरी गाड़ी में आके बैठो, मेरी गाड़ी में आके बैठो। और यहाँ से देखो टैक्सी वाले का पता ही नहीं है, अभी वेट कर रहे हैं। और देखो टैक्सी वाले जो मेरे जो मुझे यहाँ पर लेके आया है वो अब खुद जो है ना काले वगैरह कर रहे हैं कि यहाँ पर शमो नहीं वाला बंदा किधर है या जो भी सिस्टम वगैरह है। बाकी जब शमो नहीं पहुँचते हैं तो आपको मील वगैरह भी दिखाऊँगा वहाँ पर, जहाँ पर पाकिस्तानी काम करते हैं। मर मरा के एक टैक्सी मिली है, उसमें 3 सवारियाँ थी, एक का वेट कर रहे थे, 10 मिनट किया, 20 मिनट किया, आखिरकार मैंने कहा कि ठीक है आधा किराया मैं भरता हूँ, आधा एक और बंदा भरे, तो वो भर के जी अब हम जो है निकले हैं और रास्ते में अब इंशाल्लाह शमो नहीं पहुँच जाएंगे। थैंक गॉड भाई जान शमो नहीं पहुँच, नहीं शमो नहीं तो पहुँच ही गए हैं, शमो नहीं मील में पहुँच गए हैं जो मेरा डेस्टिनेशन था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं मिल, यार ये टेक्सटाइल मिल है धागे की है, ठीक है। और यहाँ पर पाकिस्तानी हम लोग 6 काम करते हैं। और टैक्सी में बैठ चुका हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से कि मुझे डायरेक्ट अरगंज की टैक्सी मिल गई, मतलब कि ना मुझे, अगर मुझे ये टैक्सी ना मिलती तो मुझे कम अज़ कम मुझे 1 घंटा में लेट हो जाता अरगंज पहुँचने में। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ होता है यार, क्या बड़ी मेहरबानी, ठीक है। तो अब वापसी जा रहा हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते में, अब मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना सफ़र की जो जो मेन जगह होंगी वो मैं आपको दिखाऊँगा, ग्रीनरी वगैरह रेगिस्तान वगैरह भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई लोग, अब हम लोग इधर आ गए हैं नुकुस बाज़ार में, एक काम था आईफोन लेना था, तो दोस्त ने फिर कॉल की थी अरगंज वाले, उसने कहा यार यहाँ पर आईफोन हो सकता है सस्ते हो, सेकंड हैंड लेना है, तो वही देखने के लिए फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ। यहाँ पर अब मैगज़ीन वगैरह ढूंढता हूँ, अब ढूंढने की सारी वीडियो तो मैं व्लॉग पे डालने से रहा, तो बस मैंने कहा थोड़ा बहुत यार नुकुस बाज़ार दिखा दूँ कैसा है। ये एक नज़र आ रही है आईफोन की शॉप, ठीक है भाई लोग। इधर से पता किया था उनके पास 13 प्रो मैक्स पड़ा है, जबकि मुझे जस्ट 13 प्रो चाहिए। अब मैं और दुकानें वगैरह देख रहा हूँ, और मज़े की बात है कि नुकुस में वो मसले की वजह से ना रात 11 बजे के बाद जो है ना कर्फ्यू लग जाता है, और मगरिब से पहले पहले जितनी भी टैक्सियां हैं ना अरगंज जाने वाली वो चली जाती हैं, हमें पास गिनती के आधा पौना घंटा बस। ये यार 5-6 दुकानों से पता कर लिया, कोई नहीं मिल रहा, कुछ और पता करता हूँ, अगर नहीं मिलती तो फिर अल्लाह वालिस है। हर शॉप पे आईफोन 13 पड़ा हुआ है, 13 प्रो मैक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। जो मुझे चाहिए 13 जस्ट प्रो वो नहीं मिलगा, जिस चीज़ की बंदे को ज़रूरत होती है वो चीज़ टाइम पे जो है ना मिलती नहीं है। खैर भाइयों अब मैं टैक्सी पे जा रहा हूँ दोबारा, वो मैंने वो अच्छा बताना भूल गया यार, वो जो डायरेक्ट अरगंज वाली मिली थी ना वो भी मैंने छोड़ दी, तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अरगंज की टैक्सी वगैरह खड़ी होती है,
तो दुआ करो वहाँ खड़ी हो और मुझे मिल जाए इजीली। अच्छा भाई अल्हम्दुलिल्लाह टैक्सी मिल गई है, ठीक है। तो अभी टैक्सी पे दो बंदे और चाहिए, पता नहीं वो कब आते हैं, चाहे बेशक 5 मिनट बाद आ जाते हैं, चाहे 10 मिनट बाद, चाहे आधे घंटे बाद, कोई पता नहीं। टैक्सी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है, मसला तो हल हो गया। और नंबर खैर मैंने एक्सचेंज कर लिया, उसको मैंने कहा है कि अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर, मुझे काम है, आईफोन वगैरह मैं देख रहा हूँ, तो जब पूरी 4 सवारियाँ पूरी हो जाएंगी मुझे कॉल कर देना। तो अब मैं दोबारा जो है ना ढूंढने के लिए निकल पड़ा हूँ। देखो यार कमाल की बात है, मैं यहाँ पर काफ़ी जगह फिर चुका हूँ लेकिन आईफोन ही नहीं मिल रहा यार। नुकुस हालांकि बड़ा शहर है, अर्गन सिटी से, और मैं इतनी जगह फिर चुका हूँ, आईफोन की शॉप नहीं मिल रही यार, कमाल की बात है। अच्छा भाई आज का व्लॉग यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं हो गया हूँ जलील और काला टिंट हो गया हूँ, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं इतना चिट्टा गोरा बच्चा, देखो क्या हशर कर दिया है गर्मी ने उसका। तो यहीं पे भी व्लॉग ख़त्म करते हैं भाईजान, वापसी के सफ़र की भी वीडियो नहीं बना पाऊँगा, बहुत ज़्यादा थका पड़ो, तो इसलिए दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, खुदा हाफिज़।